डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ एमसीक्यूज। ठीक है, तो क्लास टेंथ का भी जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज दे दिया हुआ है 10m प्लस 4। ठीक है, देन आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो m का ये जो m है ना, यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, और ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ जो नंबर है 12 और ये जो है 42, इसका क्या फाइंड करोगे, एलसीएम ऑफ फाइंड कर लो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ईजी है। तो सबसे पहले अगर आप 12 का देखोगे तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होता है उसको तो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 यानी कॉमन है, और उसके बाद जो बच गया यानी 2 और 7, तो उसको भी क्या करेंगे, 2 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। यहाँ तक तो क्लियर है। अब दिस इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, 10m प्लस 4। सो इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 10m प्लस 4। अब यहाँ से इसको क्या करोगे, आप सॉल्व करके m का वैल्यू निकाल लोगे और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 टू जा 12 हो गया, और 12 7 जा 84। सो आपको क्या मिला, 10m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 84। सो 4 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। सो 10m इज इक्वल्स टू 84 माइनस 4 यानी 80, और ये 0 से 0 गया, सो m का वैल्यू क्या मिला, 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा m इज इक्वल्स टू 8। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे b करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, अब पॉलीनोमियल दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16। देन आपसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा एंड देन इनटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, और ये चार ऑप्शंस दिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ये जीरोस, ये हमारा जो पॉलीनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, और अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। तो सबसे पहले हम इसका जीरोज फाइंड कर लेते हैं। किसी भी पॉलीनोमियल का अगर हम जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलीनोमियल को हम लोग जीरो बनाएंगे, है ना, इक्वल्स टू जीरो लेंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 16। सो आपको क्या मिला, ये हो जाएगा 4। सो एक्स का वैल्यू मिला, एक प्लस में 4 और दूसरा माइनस में 4, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना अभी ये। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे, अब हमारे पास में बोल रहा है कि अब ये दो जीरोस तो आपको मिल गया, एक 4 होगा और दूसरा माइनस 4 होगा, और ये दो जीरोस को डिनोट क्या कर रहा है, एक अल्फ़ा और एक बीटा से। तो हम इसे डिनोट कर लेते हैं, ये अल्फ़ा हो गया और ये आपका हो गया बीटा। ठीक है, तो अब देखोगे हमें फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4 इंटू माइनस 4, 4 इंटू माइनस 4 एंड देन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 4 एंड देन माइनस 4, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा। सो 4 माइनस 4, अब यहाँ देखोगे 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। सो आंसर हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखोगे दिया हुआ है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस दे दिया हुआ है कितना, 5। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, मान लेते सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, यानी हो गया ए बी इज इक्वल्स टू, ये दे दिया हुआ है आपका 5। तो ए बी यानी ए बी का हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा एक्स का। ठीक है, तो देखोगे ईजी है, तो ये क्या होता है, रूट अंडर y2 टू माइनस वाई वन होली स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन होली स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे y2 क्या है, ये x है, x माइनस टू यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो x प्लस टू का ये होली स्क्वायर होगा एंड देन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। तो इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो माइनस वन माइनस टू, सो माइनस वन माइनस टू का होली स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5। इस रूट को कैंसिल करोगे तो क्या करना होगा, आपको बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आपको क्या मिला, x प्लस टू का होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x प्लस टू का ये होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखोगे इसके अंदर ये क्या होगा, माइनस वन माइनस टू यानी माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस 9। ठीक है ना,
अब यहाँ पे प्लस है, बट इसको हम किधर लेकर जाएंगे, उस साइड लेकर जाएंगे। सो प्लस नाइन उस साइड गया तो क्या होगा, माइनस नाइन। सो 25 माइनस नाइन दैट इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ है आपका x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 16, ठीक है। ये अब 16 कितने का स्क्वायर होगा, तो बोलोगे 4 का स्क्वायर होगा। सो x प्लस टू इज इक्वल्स टू क्या मिला, ये आपको मिल जाएगा x प्लस टू इज इक्वल्स टू 4। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस टू यानी 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस 2, जो कि ऑप्शन नंबर है सेकेंड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इफ, ये वो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी बाई 3.4 इज द मीड पॉइंट। ये क्या बोल रहा है कि वो जो है मीड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है पी और ये एक पॉइंट है क्यू, और मीड पॉइंट है ये आपका ओ, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है पी बाई थ्री और फोर दे दिया, ठीक है। तो मीड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 एंड देन x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, ये करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले x ले लेंगे, उसके बाद हम लोग y लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ देखोगे देन द वैल्यू ऑफ, आपसे p का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, यानी ये p का वैल्यू, क्लियर। तो देखोगे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यानी ये मिड पॉइंट पी बाई 3 इज इक्वल्स टू, अब इसके लिए x2 प्लस x1 यानी दिस प्लस दिस बाई 2, सो माइनस सिक्स माइनस टू बाई 2, क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखोगे हम निकाल लेंगे p बाई 3 इज इक्वल्स टू ये -8/2 यानी -4, सो p इज इक्वल्स टू क्या मिला, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, सो p का वैल्यू आ जाएगा -12। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि इफ रूट 2 साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, देन आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। इसी क्वेश्चन है कैसे करेंगे, देखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो यहाँ दिया हुआ ये देखो साइन ऑफ थीटा, यानी दैट मीन्स हो गया 60 डिग्री माइनस अल्फा, तो इसको आप इस तरह से यहाँ आप लिख सकते हो, और ये जो रूट टू है इस साइड जो कोफिशियंट था इसका, तो इस रूट टू का आप उस साइड लेकर जाओ राइट साइड, तो क्या होगा 1, ये डिवाइड में आ जाएगा 1/√2। और आपको पता होगा कि 1/√2 साइन कितने का वैल्यू, यहाँ साइन है तो साइन में ही आप देखोगे, ठीक है, अगर कोस हो तो कोस में चेक करेंगे, क्लियर हो गया। तो ये कितने डिग्री का होता है, साइन बोलोगे 45 डिग्री का वैल्यू होता है। सो साइन साइन इक्वेट हुआ, यानी 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्लियर। सो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सेकंड तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखो किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ये होता है एज क्यूब बोलो या फिर साइड क्यूब, तो हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं एज को, सो एक्स क्यूब ये होता है ना, x into x into x। तो यहाँ वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ है, 1728 यानी एक्स क्यूब, और 1728 कितने का क्यूब होता है, तो ये आपको पता ही होगा 12 का क्यूब होता है, सो एक्स क्यूब। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला, 12, और ये सेंटीमीटर में था, सो एज आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर है सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने MCQ क्लास 10th के मैंने करवाया, तो अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस IVA क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस अपने चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।